आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करनी है। मम्मी जो इतने दिनों हरियाला में गिफ्ट, हरियाला का गिफ्ट है ये, मेरे सावन का गिफ्ट है। 3 दिन की मेडिसिन मैं पहले लेके आई हुई थी और 3 दिन की, तो इसमें बना दिया मम्मी ने लूणे की सब्जी, या तो खाने का भी मन कर रहा है। मेरे सुबह और शाम के इंजेक्शन लग रहे हैं, वो लगा रहे हैं, ठीक लग रहा है। पहले तो डर लग रही थी, अब ठीक लग रहा है। पहले डर लग रही थी और अब कह रहे हैं ठीक लग रहा है। पहले दिन तो डर लग रही थी। हाँ तो मतलब होता ही है, नया नया कुछ काम करो तो, लेकिन सीख के सब आ जाता है। रोटी दे दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को नमस्कार और पहला और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अभिता स्वागत करती हूँ आपका एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के 10 बजे से हो रही है। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको आज का मौसम दिखा देते हैं। मौसम आज भी फिलहाल ठीक है, बादल भी हैं आसमान में, हल्की हल्की धूप जैसी भी आ रही है, बारिश तो नहीं है फिलहाल। कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि हमारे स्कूल की 3-4 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, हरेला तक की छुट्टियाँ पड़ गई हैं स्कूल की। तो अभी मैं अपने घर पर ही हूँ, छत से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो पहले घर वालों से मिल लेते हैं, फिर करेंगे आपको ब्लॉग कंटिन्यू। और यहाँ पर हमारे ये गेंदे के फूल भी खिलने लग गए हैं, देखिए। और मम्मी यहाँ पर खड़े हैं। हेलो पापा। पापा आज भी मार्केट चले गए हैं, मैं तो नीचे ही थी और पापा ऊपर से दुकान से ही मार्केट चले गए हैं। तो पापा से बाद में मिलाएंगे आपको। आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करनी है। मम्मी जो इतने दिनों से स्वेटर बना रहे थे, बुन रहे थे जो इतने दिनों से स्वेटर, करीब 2-3 हफ्ते हो गए हैं, तो वो स्वेटर बन के कम्प्लीट हो गई है। और दिखाते हैं आपको वो क्यों बनाई है और कैसी बनाई है। जो मम्मी स्वेटर बना रहे थे वो स्वेटर ये रही, और ये स्वेटर मेरे लिए बनाई है जेब मार। ये स्वेटर मेरे लिए बनाई है जेब वाली, तो आज मैंने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। पहली बार आज मैंने पहन भी दिया इसको। अभी इसमें 2 ही बटन लगाए हैं, 1-2 और लगाने हैं, तो उसको बाद में लगाएंगे। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है स्वेटर। ये मम्मी ने मेरे लिए गिफ्ट बनाया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है करके। हरियाला में गिफ्ट, हरियाला का गिफ्ट है ये, मेरे सावन का गिफ्ट है। मुझे फिर से जाना है आज हॉस्पिटल। जो मुझे इंजेक्शन लग रहे थे वो मैं सिर्फ 3 दिन के लिए लेके आई थी, तो वो कंप्लीट हो गए हैं। मॉर्निंग तक का था मेरे पास, तो अब ख़त्म हो गया है वो, और फिर से हमें 3-4 दिन के लिए और लाने हैं, तो इसलिए फिर से हमें हॉस्पिटल जाना है आज डीडी हार्ट। तो मैं जाने के लिए रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन अभी पतिदेव जी नहीं आए हैं, जैसे वो दुकान से आएंगे उसके बाद जाते हैं हम लोग डीडी हार्ट के लिए। और अभी काफ़ी अच्छी धूप भी आ गई है। जाने लग गए हैं हम लोग। देखिए इतना बड़ा जंगल है इधर को, और ये रहा डीडी हार्ट का हार्ट गांव। तो अभी हॉस्पिटल से हम लोग जाने लगे हैं घर के लिए। 3 दिन की मेडिसिन मैं पहले लेके आई हुई थी और 3 दिन की फिर से दे दी है आज। पूरे 7 दिन के मेडिसिन चलने वाली हैं, तो 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन और हैं, तो फिर हमें और आना पड़ेगा बीच में, तो 1-2 दिन बाद और आना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 दिन की और लेके जाएंगे। तो अभी तो यहाँ का काम हो गया है, अभी तक बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, यहाँ का हवाएं चल रही हैं। तो अब हम सीधे घर को चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधे घर पर। पहुंच चुकी हूँ घर पे और अब कर लेती हूँ चेंज वेज, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं अब, और घर पे पहुंच के मैंने चेंज भी कर लिया है, और अभी बज गए हैं दिन के 12, तो ये भी खाना खाने के लिए रुक गए हैं। और अब देखते हैं मम्मी ने दिन का खाना बना लिया है या नहीं। मम्मी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन खाना बना दिया है मम्मी ने, चावल और इसमें क्या बनाया है, तो इसमें बना दिया मम्मी ने लूणे की सब्जी जो कल भेजी थी। तो देखिए गाइस ऐसी बनाई है, ऐसे होते हैं मतलब, सूखी भी बनाते हैं इसको, मट्ठे वाली भी, तो मम्मी ने सूखी बनाई है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये, या तो खाने का भी मन कर रहा है। और दाल बनाई है इसके साथ, दाल मलका और छोले की दाल बनाई है, और इसमें कुकर में चावल
दे रहे हैं मम्मी, और बाकी लूणे मम्मी ने बचे हुए यहाँ पर धो के रख दिए हैं, सारे धो दिए हैं ये, थोड़ा हाथ के साथ। के लिए मम्मी ने खाना बना दिया है और मेरे लिए बनाया है दलिया दूध वाला, तो मैं इसको लेके चलती हूँ छत पे, और पापा भी वहीं बैठे होंगे दुकान में। ये पापा आ गए दुकान से। हेलो गुड आफ्टरनून, तो आफ्टरनून होने को है, आप लोग ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। आज के दिन की जो नई गतिविधियाँ हैं आप लोगों द्वारा की जा रही होंगी, और पिता द्वारा भी ये ब्लॉग बना के गतिविधियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, दिखा रही होगी, आप इसको देखते रहिए। और नई नई चीज़ें यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कमेंट कीजिए, ढेर सारा प्यार इसको दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं शाम को 4 बजे चाय काल में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार। बाबा आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मैं बैठती हूँ थोड़ी देर दुकान में और अपना दिन का खाना भी खाती हूँ। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। पापा आ गए हैं खाना खाके, तू भी भूखा रही डब्ली, उन्होंने भी खाना खा लिया है। तो गाइस अभी बच चुके हैं दिन के 1 और सब लोगों ने दिन का खाना आना खा लिया है, और खाना आना खा के अपने अपने काम पे लग गए हैं। मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, मिलती हूँ आपको सीधे इवनिंग पे। चाय मिठाई बिस्किट सब खाएंगे बिस्कुट के साथ, चाय कैसे भी होगी बिस्कुट के साथ। चाय मिठाई मम्मी ने पकड़ ली, पापा ने चाय बिस्किट, मिठाई नहीं खानी पापा को, नहीं खानी मिठाई, पापा मिठाई से परहेज। हेलो गाइस गुड इवनिंग, तो अभी बज गए हैं शाम के 4:30, और अभी हो रही है हमारी शाम की चाय। अभी मौसम ठीक है फिलहाल, बादल तो हैं, अभी बारिश नहीं हुई है और धूप भी नहीं है, बादल जैसे हो रहे हैं, ठीक है फिलहाल में, और अभी थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है। अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 से कंटिन्यू बारिश ही चल रही है, अभी तक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी थोड़ा कम भी हो रही है, और अभी मेरा इंजेक्शन लगाने का भी टाइम हो गया है, और मतलब जो मेरे सुबह और शाम के इंजेक्शन लग रहे हैं वो लगा रहे हैं घर पर ही मम्मी और मैं बन गई हूँ डॉक्टर। मम्मी को हमने डॉक्टर बना दिया है, मतलब मम्मी को भी सिखा दिया हमने इंजेक्शन लगाना, तो अब आपको भी दिखाते हैं कि मम्मी कैसे लगाते हैं करके। गाइस ये रहा इंजेक्शन, और अब इसको भरते हैं सिरिंज में। दवाई भर दी है और अब मम्मी लगा देंगे। मम्मी पक्की वाले डॉक्टर बन गए हैं, मम्मी को अब अच्छे से इंजेक्शन लगाना आ गया है, मैंने भर दिया और मम्मी ने लगा दिया, तो आजकल मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम मम्मी लगा रहे हैं। मम्मी से पूछते हैं कि उनको डॉक्टर बनके कैसा लग रहा है। अच्छा ठीक लग रहा है, पहले तो डर लग रही थी, अब ठीक लग रहा है। पहले डर लग रही थी और अब कह रहे हैं ठीक लग रहा है। पहले दिन तो डर लग रही थी। हाँ तो मतलब होता ही है नया नया कुछ काम करो तो, लेकिन सीख के सब आ जाता है, तो मम्मी को सिखा के मम्मी ने एक ही बार में सीख लिया था, तो अच्छी तरह से लगाया मम्मी ने, और दर्द भी नहीं हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है और बारिश तो कंटिन्यू चल ही रही है। तो आज शाम के खाने में मैंने अपने लिए रख दी है दाल, मूंग की दाल, थोड़ा बहुत और लोग भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी, तो आज शाम की सब्जी वगैरह हमारी यही है, दाल भी बन गई है और थोड़ी बहुत दिन की लूणे की सब्जी बची हुई है, वो मम्मी और पापा के लिए हो जाएगी। अभी बज गए हैं 8:30, मम्मी बना रहे हैं रोटी और पापा खाना खाने लग गए हैं, वहाँ पर से कोको को देखिए उसको ज़्यादा हो रही है खाने के लिए, तो पापा अपना भी खा रहे हैं और उसको भी दे रहे हैं, और यहाँ पर ये भी खाने लग गए हैं, इनको तो नमक कम लगने लग गया है। और ये रहा मेरा खाना, मुझे अभी एक ही रोटी मिली है क्योंकि रोटी मम्मी बना रहे हैं, और मैं यहाँ पर मम्मी से रोटी मांगते हुए रोटी दे दो हो रही है मेरी, तो मम्मी ने मुझे फाइनली रोटी दे दी, और अब मैं अपनी खाना खाती हूँ। और अब सब लोगों ने खाना खा लिया है और मम्मी भी खा रहे हैं, और ये कोको को देखिए करतब दिखाने लग गई है। तो गाइस आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।